समय का महत्व, समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय को धन के समान माना गया है। जिस प्रकार धन को सोच समझ कर खर्च करना चाहिए, वैसे ही समय को भी सोच समझ कर बिताना चाहिए। समय पर काम करने को समय पालन कहते हैं। समय पालन की शिक्षा तुम्हें सूरज से लेनी चाहिए। सूरज रोज सवेरे अपने समय पर ही निकलता है और संध्या बेला में अपने समय पर ही डूबता है। वह निकलने और डूबने में कभी गलती नहीं करता। मुर्गा एक पक्षी होते हुए भी हमें समय पालन की प्रेरणा देता है। जानते हो कैसे? वह रोज सवेरे बांग देता है। ठीक समय पर बांग देकर वह लोगों को बताता है कि सवेरा हो गया है, अब सोना नहीं चाहिए। इसी तरह फूल अपने समय पर ही खिलते हैं, समय पर ही फल लगते हैं, समय पर ही पानी बरसता है और समय पर ही मौसम आते जाते हैं। घड़े भी समय पालन का एक अच्छा उदाहरण है। तुम्हारे कमरे में जो घड़ी लगी है, उसकी दोनों सुइयां सदा समय का पालन करती हैं। समय पालन में वे एक क्षण की भी देर नहीं करती। सुइयों के समय पालन से ही तुम्हें भी समय का ठीक ठीक ज्ञान होता रहता है। जब तक काम समय पर होता रहता है, आदमी को सुख और आनंद मिलता है। जब समय पर काम नहीं होता तो आदमी दुखी और परेशान रहता है। जीवन को सुखी बनाने के लिए हर काम ठीक समय पर ही करना चाहिए। ठीक समय पर काम करने से काम तो पूरा हो ही जाता है, सुख और आनंद भी प्राप्त होता है। सुप्रभात प्यारे बच्चों, तो आपने वीडियो देखा, मजा आया, कुछ समझ आया? हाँ, तो ये वीडियो था समय के महत्व पर। तो समय बहुत बलवान होता है। अगर हम समय को नष्ट करते हैं तो समय हमें नष्ट कर देता है। तो बच्चों, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय और लहरें किसी के लिए नहीं रुकती हैं। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, आप स्कूल में नहीं जा पा रहे, लेकिन आपके प्रिंसिपल मैम और अध्यापिकाओं की वजह से स्कूल आपके घर पे पहुंच गया है। लेकिन उसका फ़ायदा तभी आप उठा पाएंगे जब आप एक समय सारणी यानी कि टाइम टेबल बनाएंगे। अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे, समय समय पर हर कार्य करेंगे, पढ़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, तो समय बर्बाद नहीं होगा, समय का उचित उपयोग होगा। तो बच्चों, आज आपका जो आपकी जो गतिविधि है वो है समय से संबंधित, यानी कि आपको समय सारणी बनानी है, यानी टाइम टेबल बनाना है। जैसे आप स्कूल में बनाते थे 8 पीरियड्स का टाइम टेबल, लेकिन घर में तो आप पीरियड के हिसाब से नहीं चलते ना। आप जैसे घर में रहते हैं, जो जो क्रियाकलाप पूरे दिन में करते हैं, अपनी पूरी दिनचर्या आप मुझे बनाकर भेजेंगे, तो मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि उपाय बताती हूँ कैसे बनाना है। आपने कोई भी सफ़ेद या रंग बिरंगा कागज़ लेना है, जिस पे आप अच्छे से लिख पाएं। तो आपको मैं बता रही हूँ, आप ये देखिए, जैसे ये बोर्ड लिया है, आपका पेपर होगा। समय सारणी बोलते हैं टाइम टेबल को हिंदी में। यहाँ आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं पेज को, फाड़ना नहीं है, इसे लकीर लगा लीजिए बीच में स्केल के साथ। यहाँ आप समय लिखेंगे और इस तरफ आप कार्यकलाप यानी कि जो काम आप करते हैं वो लिखेंगे। जैसे मैंने ये आपको उदाहरण दे रखा है, लेकिन आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। जिन्होंने पहले समय सारणी बना रखी है, उन बच्चों को शाबाश। जिन्होंने नहीं बनाई है, तो सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते बच्चों। तो आप आज बना सकते हैं अपनी समय सारिणी और समय का उचित उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ आप समय, आप यहाँ पे समय लिखने के बाद आप यहाँ पे ड्राइंग भी कर सकते हैं। मुझे पता है आप बहुत अच्छे चित्रकार हैं, मैंने आपका आर्ट एंड क्राफ्ट का काम देखा, बहुत अच्छा काम करते हैं आप। तो आप अपनी समय सारिणी को
सजा सकते हैं। घर में बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं सजाने के लिए, मोती पड़े होते हैं, छोटे छोटे कांच पड़े होते हैं, ध्यान रखिएगा हाथ पे नहीं लगनी चाहिए। और भी लेसेस होते हैं बहुत सारे, आप वोल जब लगाते हैं तो बहुत सुंदर चीज बन जाती है। तो आप यहाँ पे समय के साथ साथ सूरज भी बना सकते हैं, उगता हुआ सूरज, दोपहर का सूरज, शाम का सूरज, और उसके बाद यहाँ पे काम, जो भी काम आप कर रहे हैं उसकी तस्वीर भी बना सकते हैं और उसे ऐसे लिख भी सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे सजाएंगे अपनी समय सारणी, अपने टाइम टेबल को। तो बच्चों आप इसको ध्यान से देख लीजिए, एक सैंपल की तरह है ये आपके लिए। इसको नजर में रखते हुए आप भी अपनी समय सारणी बनाएंगे और उसका पालन करेंगे, तभी उसका फायदा है। अगर आप समय को बर्बाद नहीं करेंगे तो अपना भविष्य संवारेंगे। तो बच्चों आप मुझे अपनी समय सारणी बनाकर उसका फोटो खींचकर भेजेंगे। धन्यवाद।